May I come in, sir? Yes. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Thank you, sir. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. Feeling comfortable? अल्हम्दुलिल्लाह. Thank you, sir. Can you introduce yourself to us? सर, मेरा नाम मारिया हमीद है. डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की एक स्मॉल विलेज से बिलोंग करती हूँ. बड़ी अबीबुल्ला नाम है. और मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है. यूटी पेशावर से मैंने इंजीनियरिंग की 2017 में. एंड मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी अपने बेच की. और इससे करंटली मैं जॉब कर रही हूँ नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी. मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंडर ये ऑटोनोमस बॉडी है. यहाँ पे BPS 17 की मेरी जॉब है असिस्टेंट मैनेजर. तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में पोस्टेड हूँ 220 केवी ग्रिड स्टेशन मानसेरा में. और मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरह के टास्क हैं. करंटली मैं मास्टर्स भी कर रही हूँ अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज. तो ये मेरी सेकेंड अटेम्प्ट थी CSS की. तो इंग्लिश में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं अपने आप? सर, मुझे ये लगता है कि शायद इंग्लिश में इतना अच्छा मैं चीज़ों को जोट डाउन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सरकारी स्कूल्स का रहा है. तो इतनी मेरी प्रैक्टिस नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग की, बट आई कैन ट्राई. अच्छा, ये बताइए, आप यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, आप 4-5 साल हो गए हैं और BS 17 में आप काम कर रही हैं, तो उसको छोड़ के व्हाई यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान? सर, यू विल बी लूजिंग योर 5 इयर्स, यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स, और यू आर आल्सो इन ग्रेड 17 इन योर ओन फील्ड. उसको छोड़ के यहाँ आएंगी? सर, उसकी दो रीजंस हैं. बेसिकली जहाँ पे मेरी जॉब है वो बहुत ही स्पेसिफिक है, मतलब टेक्निकल नेचर की जॉब है, वो मेरी डिग्री से ही रिलेटेड है. तो वहाँ पे मुझे ये लगता है कि अगर मैं उस एरिया तक लिमिटेड रहूँ तो मैं जो मेरा पोटेंशियल मुझे लगता है कि मैं उसको बेटर यूटिलाइज कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे इतना एक्सपोजर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है. और मुझे लग रहा है कि शायद मैं वहाँ पे इस लेवल की जो मेरी स्किल्स, जो मुझे क्रिटिकल थिंकिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मुझे शौक़ है जिन चीज़ों का, मैं वहाँ पे इतना ओपनली वो नहीं कर सकती. एक रीज़न तो एक्सपोजर है, सेकंड ये है कि हमेशा से मेरा जो मोटिवेशन रहा है वो यही है कि मैं पब्लिक डीलिंग वाली ऐसी जॉब करूँ जहाँ पर मुझे लोगों के प्रॉब्लम्स को ग्रास रूट लेवल पर एनालाइज करने का और उनको टैकल करने का मौका मिले. तो वो ऑप्शन सिर्फ CSS में, स्पेशली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अवेलेबल है. और अगर कुछ चेंज करना है या एक पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज हमने इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना, तो उसके लिए फॉरेन सर्विसेज. तो मेरी प्रायोरिटीज इस वजह से ही फिर CSS में भी पैस और FSP और फिर FSP. पैस की जो डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है उसकी क्या वर्किंग बारे में क्या जानती हैं आप? क्या करता है डिप्टी कमिश्नर और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? सर, डिप्टी कमिश्नर जो है, जहाँ तक अभी तक मेरा एक्सपोजर रहा है, ये जो चीज़ें मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं उनमें ये है कि डिप्टी कमिश्नर बेसिकली जो जितनी भी रेवेन्यू मैनेजमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे वो सारी वो मैनेज करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है. इसके अलावा जो इलेक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं या कंस्टिट्यूएंसीज वगैरह की जो हल्काबंदियाँ जो हो रही होती हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं. और पूरा जितने भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही होती है सबको वो मेंटेन कर रहे होते हैं. तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है. पाकिस्तान जो है ना, जो है एक ज़राती मुल्क है, ज़रात पेशा है तो 60-65% लोगों का. तो लेकिन हमारी ज़रात जो है वो बहुत मुश्किलात से दो चार है, लोगों को जो फार्मर्स हैं. और फिर क्या इसकी क्या वजह है? सर, एक रीज़न तो उसकी ये है कि हम अभी तक आउटडेटेड जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आउटडेटेड हम यूज़ कर रहे हैं. एग्रीकल्चर में जो टेक्निक्स न्यूली इंट्रोड्यूस हो रही हैं हम वो नहीं एम्प्लॉय कर रहे. हमारे जैसे हाइब्रिड सीड्स का एक कॉन्सेप्ट है कि वो आप उस तरह से कर लें कि सीड्स की जेनेटिक म्यूटेशन करके उनकी जो प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाएं. एक तो हम वो नहीं कर रहे, दूसरा ये है कि अब दुनिया जा रही है जो वाटर या जिसको हम कह सकते हैं इरीगेशन, उसकी वो अच्छी वाली टेक्निक्स यूज़ करें जिसमें पानी कम से कम यूज़ हो, स्प्रिंकल कर दिया जाता है उसको. या तो हम अभी तक फ्लड इरीगेशन पे हैं कि हम जो है वो पानी भी ज़ाया कर रहे होते हैं और वो प्रॉपर मिल भी नहीं रहा होता. और तीसरा उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज, जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ हैं वो वाइजली नहीं डिज़ाइन की जाती. उसमें
एक चीज रखी जाती है कि हम जो है वो सिर्फ फसलों को जो बस जैसे कॉटन है या शुगर है जो कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है उन पे तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन जो साथ में ऐसी क्रॉप्स जो कि वाटर रिटेंशन को बढ़ा सकती हैं लैंड के अंदर, हम उनको नहीं कर रहे होते, क्रॉप रोटेशन भी हम नहीं कर रहे होते। तो कुछ ये तो बेसिक टेक्निकल रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा ये सेक्टर बहुत पीछे है, लेकिन मेन इसके पीछे यही है कि हमारी पुअर प्लानिंग, और इसकी जो प्लानिंग हो भी रही है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो ये एक रीजन है कि अभी तक बैकवर्ड है हम इसमें। मनी लॉन्ड्रिंग का सुने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में क्या मनी लॉन्ड्रिंग? सर मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली ये एक पूरा फेनोमेना है जिसमें आप किसी इलीगल सोर्स से एक बंदा कोई मनी जो है वो ब्लैक मनी जिसको कहते हैं वो कमाता है, यानी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या करप्शन या किसी और ऐसे तरीके से वो मनी कमा रहा है, पैसा वो गेन कर रहा है, लेकिन फिर वो आगे से कुछ ऐसे प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेता है कि वो उस पैसे को जब दिखाता है तो बिल्कुल क्लीन मनी नज़र आती है। तो इसमें 2-3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं कि सबसे पहले तो आप मनी को कहीं से गेन करते हैं किसी इलीगल एक्टिविटी से, लेकिन फिर की लेयरिंग करते जाते हैं, उस इतनी ट्रांजेक्शन आप उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं कि एट दी एंड जब उसको आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर या अपने अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर शो करते हैं तो वो एक क्लीन मनी नज़र आ रही होती है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऐसे या जो भी टेरर फाइनेंसिंग या बाकी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से हो रही होती है, और इससे एक तो हमारी जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसको भी नुकसान पहुँच रहा होता है, और जो कोई ऐसे एलिमेंट्स जो कि शरपसंद अनासर हो सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट नेटवर्क्स वगैरह वो भी इसको अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, करप्शन भी इससे प्रिवेल करती है, तो इसलिए इसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में भी इसको काउंटर करने के हवाले से लॉज मौजूद हैं, और इंटरनेशनली जो फेडअप है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वो बेसिकली इस पे भी काम कर रही है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करें। मतलब पाकिस्तान को ये फेडअप की ग्रे लिस्ट से निकलने में बहुत अरसा क्यों लगा? सर उसकी दो रीज़न है। फर्स्ट अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे देखें तो ये था कि उन्होंने जो हमें एजेंडा दिया हुआ था, जो पॉइंट्स हमें दिए हुए थे कि आपने उनको फुलफिल करना है, हम उनको कर रहे थे लेकिन वो उस पैस या उस लेवल तक हम नहीं कर पा रहे थे जैसी उनकी डिमांड्स थी, और उसमें मेन रीज़न यही है कि हमारे अपने इदारे अपने इंस्टीट्यूशंस ये इस चीज़ को ले के आपस में कोऑर्डिनेशन उनकी मिसिंग हो जाती किसी पॉइंट पे। दूसरे इसकी एक रीज़न ये थी कि फॉरेन जो पोस्चर है यानी कि जिद फेटिफ के अंदर जो लॉबीज बनी होती हैं स्पेसिफिकली हमारा जो इंडिया है जो जो कि हमें चाहता है कि हम ना निकले इस लिस्ट से, तो उन्होंने भी और बाकी जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी फॉरन पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है कि हम अपने हक में एक पॉजिटिव पब्लिक ओपिनियन हम वहाँ पे एक हम कर सकते और अपने हक में उन लोगों को कन्विंस कर सकते कि हम अच्छे मेजर्स ले रहे हैं, तो उन एक अपना एक पॉजिटिव इमेज वहाँ पे डेवलप करने में हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, तो ये भी रीज़न थी कि हमें वहाँ से नहीं निकाला जा रहा था। वेलकम टू CSP's Academy फॉर CSS PMS प्रेपरेशन। CSS PMS तहरीरी इम्तिहान के तमाम मजामीन की ऑनलाइन और ऑन कैंपस तैयारी के साथ साथ सब्जेक्ट सिलेक्शन, असाइनमेंट चेकिंग, क्लास टेस्ट, मॉक एग्जाम, इंडिविजुअल टीचर डिस्कशन और फीडबैक सेशन का इनेकाद किया जाएगा। इसके अलावा FPSC की तजवीज़ करदा बुक्स से बने मायारी नोट्स और CSP पब्लिशर की बेहतरीन बुक्स मुहैया की जाएंगी। रजिस्टर नाउ एट 0316-570-1593। IMF प्रेस कर रहा है पाकिस्तान को कि वो कीमतें बढ़ाएं, इसकी फ्यूल प्राइसेस बढ़ाएं, एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाएं, ये करें वो करें, पहली जो है कीमतें आसमान पर हैं और लोगों को तकलीफ हो रही है, तो क्यों IMF इज डूइंग इट नोइंग कि भी एक पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ऑलरेडी यहाँ जो है इन्फ्लेशन है, प्राइस हाइक है। सर बेसिकली IMF जो है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वो एक ऐसा इदारा है जो इंटरनेशनल लेंडर हम जिसको कह सकते हैं कि जो कर्जे देता है लोगों को, तो जब वो कर्जे देता है तो वो बेसिकली हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो होता है उसको मीट करने के लिए जो कंट्रीज होती हैं वो वहाँ से लोन लेती हैं, तो जब वो लोन ले रही होती है तो कुछ शराइत के साथ वो लोन्स दे रहे होते हैं कि आपने अपने जो निज़ाम है आपका पूरा उसको आपने रिफॉर्म करना, उसके अंदर अपने चेंजेस लानी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, वो ताकि वो जो मनी उन्होंने हमें दी उसको टाइमली उनको रिटर्न कर सकें। तो जब वो हमें ये प्रोग्राम देते हैं तो उसमें फिर वो हमारी गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि आपने जो है अपना जो रिफॉर्म्स हैं टैक्सेशन के अंदर आपने लानी है, सब्सिडीज़ आपने ख़त्म करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू या तो टैक्सेशन से जनरेट कर रही है या वो ट्रेड से कर रही है या वो लोन के थ्रू कर रही है, तो अगर टैक्सेशन हमारी होगी तो टैक्स रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा, अगर हम सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगे एक्सपेंडिचर्स हमारे कम होंगे, तो अगर ये सारी चीज़ें कम होंगी तो एक तरह से हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि जो लोन्स हमने लिए हैं उनको हम टाइमली रिटर्न कर सकें।
सके, अदरवाइज हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो वो हमें इसीलिए प्लान्स दे रहे हैं, लेकिन हम जब ये सब्सिडीज खत्म कर देते हैं फिर प्राइस हाइक आता है, और जब हम अपनी पॉलिसी को अपने हिसाब से नहीं चला सकते क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, तो फिर हमें IMF की शर्तों को मानना भी होता है, उस पर चलना भी होता है। अच्छा ये बताएं वुड एक्सट्रेडिशन क्या होती है और ये कैसे होती है एक्सट्रेडिशन? एक्सट्रेडिशन ये एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ में, ये एक ये कॉन्सेप्ट है, या फिर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें तो जब एक कंट्री जो है उसकी कोई बाशिंदा अपने मुल्क में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या किसी भी वजह से वो अपने मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरी स्टेट में पनाह ले रहा हो, तो उस दौरान दूसरी कंट्री जो है वो ये कह सकती है दूसरे मुल्क से, जो पेरेंट स्टेट है जिसका वो बाशिंदा है, कि आप ये इस बंदे को हमें रिटर्न कर दें। तो वो जो उसको वहाँ से वो वापस उस मुल्क में भेजते हैं उसको हम एक्सट्रेडिशन कहते हैं, और ये डिपेंड करता है कि उन स्टेट्स के आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनके कोई अग्रीमेंट्स हैं इस हवाले से एक्सट्रेडिशन के हवाले से, अगर तो हैं तो वो रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज वो उसको अगर उन्होंने वहाँ पे पनाह दी हुई होती है तो वो फिर रिटर्न नहीं करेंगे। उसमें इंटरपोल का रोल आता है? उसमें इंटरपोल का रोल यही है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्राइम वगैरह है उसको मॉनिटर कर रहा था, अगर कोई बंदा बिल्कुल ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, जैसे उसने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हों, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हों जो पूरी ह्यूमन रेस के लिए जो है वो नुकसानदेह हों, तो उस केस में वो ये कर सकते हैं कि एक नोटिस जारी कर डिपोर्टेशन में ये एक्सट्रेडिशन में एक्सट्रेडिशन में सर वो ये कर सकते हैं कि उस बंदे के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में सारा डेटा प्रोवाइड कर दें दोनों स्टेट्स को, फिर आगे डिसीजन स्टेट्स ने ही लेना है क्योंकि उनको वो मजबूर नहीं कर सकता कि आप उनको करें। रेड वारंट्स को एग्जीक्यूट करता है ना, उसके तरीके पर ये यस सर रेड नोटिस। अच्छा आखिर में ये बताइए कि आप मल्टी टास्किंग वीकनेस क्या मतलब है इसे? How is your weakness? सर इसको वीकनेस में दो वजह से समझती हूँ। एक तो ये कि मल्टीटास्किंग जब बंदा कर रहा होता है तो वो एक चीज़ को भी फुली फोकस्ड नहीं रह सकता, वो मल्टीपल जगह पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो वो आपको मेंटली भी अफेक्ट कर रहा होता है फिजिकली भी। जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहा है कि मैं हमेशा ही एक से ज़्यादा काम एक साथ करती रही हूँ। अभी मैं जब जॉब भी कर रही हूँ तो उसके साथ भी मैं मास्टर्स भी कर रही हूँ, फिर मैंने CSS की तैयारी भी मैनेज करनी थी, मैंने घर को भी देखना था, मेरी मदर नहीं है और मेरे फादर की भी रिसेंटली डेथ हुई है, तो आई एम दी सोल ब्रेड अर्नर ऑफ माय फैमिली। सो मैं वो सारी चीज़ें जब मैनेज कर रही थी तो उस दौरान मेरी अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो गई थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ पिछले पास्ट मंथ्स में, लेकिन फिर ये था कि मैं चीज़ों को करना था असेंबल, तो मैंने अपने आप को उसके लिए फिर तैयार किया, लेकिन मुझे खुद ये लगता है कि शायद ये मेरा फ्लॉ है, अगर मैं मल्टी टास्किंग ना करूँ एट अ टाइम, सिर्फ एक ही काम करूँ तो मैं उसको बहुत बेस्ट तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। Maria, foreign service is your second option. Yes, could you tell me something about the structure of an embassy? एम्बेसी का बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है कि एम्बेसी किसी भी कंट्री के जो फॉरेन ऑफिस होता है उसका मेन पर्पस ये है कि वो दूसरे मुल्क में अपने मुल्क के इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे बनाई जाती है। जो एम्बेसीज होती हैं उनका स्ट्रक्चर ये है कि उसमें आपका हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है वो एम्प्लॉय किया हुआ, तो उसमें हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो कॉन्सल्स होते हैं वो वहाँ पर अपॉइंट किए होते हैं, और उनको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं कि वहाँ पे वो मीटिंग्स वगैरह भी कर रहे होते हैं अपने इंटरनेशनल। अबाउट द स्ट्रक्चर मारिया, स्ट्रक्चर मैम उसमें हु इज ऑन द टॉप, हु इज सबसीक्वेंट, यू नो। सॉरी मैम इसके बारे में पता नहीं, आई विल रीड अबाउट इट इंशाल्लाह। थैंक यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाई कमिश्नर एंड एन एंबेसडर? हाई कमिश्नर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मैं रीड करूँगी, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे दो चीज़ें जो मेन डिफरेंसेस में पता है वो ये है कि जो एम्बेसडर होता है वो एक परमानेंट लेवल पे अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, जो हाई कमिश्नर होता है वो एक कमीशन बनाया होता है उन्होंने एक स्टिपुलेटेड टाइम के लिए, उस टाइम के लिए वो कर रहा होता है। दूसरा ये कि जो हाई कमीशन होता है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए है, और एम्बेसडर जो है वो बाकी कंट्रीज़ के लिए हमारे मुल्क के जो ताल्लुकात हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। Right. Can you tell me about the SAARC, the failures and if there are failures and successes of SAARC? SAARC साउथ एशियन रीजनल कॉपरेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1980s में बनाई गई थी, और बेसिकली इसका पर्पज़ ये था कि जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश,
भूटान नेपाल वगैरह इन सब का आपस में इस तरह का कोऑर्डिनेशन किया जाए जैसा कि यूरोपियन यूनियन में एग्जिस्ट करता है और इनको सबको बहुत सारे इशूज़ जो ट्रेड से रिलेटेड है या बाकी चीज़ें उनको इनको इस एक सिंगल पेज पर लाया जाए सेम पेज पर लाया जाए और ये अपने जितने भी चीज़ें हैं सारे मैटर्स अपने कंसेंसस के साथ सॉल्व करें। बेसिक पर्पज़ इसका यही था, इनिशिएटिव ये था बांग्लादेश की तरफ से उनके प्रेसिडेंट ज़ियाउर रहमान साहब की तरफ से। लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि फेलियर्स और सक्सेसेस को अगर हम एनालाइज करें तो मोस्टली ये एक फेलियर या एक डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नज़र आती है और उसकी इनहेरेंट रीजन्स भी हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो यहाँ पर कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर नहीं है कि वो अपना उस तरह का कोऑर्डिनेशन बना सके जैसा यूरोपियन यूनियन के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने बनाया। दूसरे लेवल पे ये कि इनके अपने अंदर ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है मोस्टली इन कंट्रीज़ में, तो वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम से ही आज़ाद नहीं हो पाते कि वो फॉरेन लेवल पे इन ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल बना सकें। तीसरा उसमें यह है कि जो मोस्टली कंट्रीज़ में है जैसे पाकिस्तान और इंडिया वो अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में हद तक उलझे हुए हैं कि वो नेगोशिएशन के लिए किसी टेबल पर बैठना ही उनके लिए बड़ा मुश्किल, और अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पर जाके बैठ भी जाएँ तो वहाँ पर वेस्टर्न इंडस्ट्री इतने डोमिनेंट होते हैं कि वो एक कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात को फर्दर नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच मारिया।